हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। आज हम मैथ्स का हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात व समानुपात, ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस आते हैं, आयु आधारित प्रश्न हो गया, या साझेदारी यानी कि एज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या पार्टनरशिप, या फिर सिंपल रेशियो के भी जो क्वेश्चन आते हैं, केवल उसी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे भी ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जब आपको प्रतिशतता परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और परसेंटेज से रिलेटेड जितने टॉपिक है, इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, है ना, इंटरेस्ट में सिंपल एंड कंपाउंड दोनों, और उसके बाद में फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, इन सभी में मैं इस रेशियो का यूज़ करूँगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आप कोशिश कीजिए कि एक बार में यदि सारा कुछ समझना है तो दो बार देखिए इस वीडियो को, और रेशियो के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। हम आज जो पढ़ने वाले हैं अनुपात, अनुपात यानी कि रेशियो। सबसे पहली बात भाई कि रेशियो होता क्या है, अनुपात क्या होता है ना, थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, है ना। अनुपात होता क्या है, अनुपात कुछ नहीं है, बस यही है कि कोई भी दो क्वांटिटी, कोई भी दो संख्या, कोई भी दो जो है कि संख्याओं का हम जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो। किसी भी दो संख्याओं का, दो राशियों का हम जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब उसे रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया बात, क्या बोला मैंने, किसी भी दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन अनुपात कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी पहली राशि x है, दूसरी राशि y है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख लेते हैं कि राम की आयु मान लेते हैं x वर्ष है, श्याम की आयु मान लेते हैं y वर्ष है, तो दोनों के बीच में आयु का अनुपात, दोनों के बीच में एज का रेशियो क्या होगा, एक्स रेश टू वाई, क्या होगा, एक्स रेश टू वाई, है ना, एक्स अनुपात वाई, अनुपात का यही चिन्ह होता है ना। यदि वीडियो में नहीं देख पा रहा होगा छोटा सा, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये देखो भाई ऐसा, है ना, या इसे ही आप एक्स अपॉन वाई भी लिखते हैं, सेम चीज को, है ना। एक्स रेश टू वाई लिखूं या एक्स अपॉन वाई लिखूं, दोनों एक ही बात होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो होता है भाई आपका अनुपात दो राशियों का ऐसे तुलनात्मक, देखो राम की आयु बटे मोहन की आयु या श्याम की आयु, जो भी मैंने बोला था, ठीक है, यही होता है केवल और केवल अनुपात में, है ना। सबसे मेन चीज़ यही है, कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, और तुलना करने के लिए तो हम बटे का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं राम की आयु जो है कि 6 वर्ष है, श्याम की आयु 9 वर्ष है, ये देखो भाई आ गया 6/9, राम की आयु 6 वर्ष है, श्याम की आयु 9 वर्ष है, हो गया, बस 6/9 या 6:9 ये आप लिख दोगे, ठीक है। और फिर आप देख रहे हो भाई बटे में है तो भाई काटेंगे इसको, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करो, कौन मना किया, डिवाइड करो इसको, 3 × 6 और 3 × 9 2:3, देखो 6:9 लिखूं मैं या 2:3 लिखूं, दोनों एक ही है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। मैं इसे ऐसा डिवाइड करके बिल्कुल लिख सकता हूँ, और दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो ये कि मुझे डिवाइड करके ही लिखना होता है ना। अगला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया तुलनात्मक अध्ययन होता है, अगला पॉइंट ये बोलता है मेरे दोस्तों कि जो भी अनुपात आप लिख रहे हो, क्या जो भी अनुपात लिख रहे हो वो दोनों संख्याएं आपस में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे 6:9 लिखा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 × 6 बिल्कुल ऐसा ही करना होता है कि जब भी आप रेशियो सॉल्व करते हैं तो उसे, जो भी हमें संख्या दी गई है उसे आप डिवाइड करके लिखते हैं, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से आपको इनको डिवाइड करना होता है। जैसे देखो 2:3 आया, अब ये 2:3 डिवाइड हो रहा है क्या, और किसी से कॉमन नहीं हो रहा है, 6:9 हो रहा था 3 से, इसलिए किए, मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो भी आप अनुपात लिख रहे हैं इसका HCF 1 होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सही अनुपात हम उसे ही कहते हैं, सही अनुपात हम उसे ही कहते हैं जिन संख्याओं का HCF एक होता है, महत्तम समापवर्तक एक होता है, ठीक है, उसे ही हम सही अनुपात कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक देखिए दो और तीन का एक है ना, याद करो LCM HCF चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं, मैंने HCF निकालना सिखा दिया है वहां पर, है ना, इसलिए अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, मैथ्स ऐसा ही, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी करेंगे। देखो HCF यहाँ पर एक हो रहा है क्यों, दो अनुपात तीन, दो और तीन का HCF एक होगा। देखो छह और नौ का HCF यदि हम देखें तो, चलो थोड़ा सा बता देते हैं, छह का यदि मुझे HCF देखना है मैं इसको लिख सकता हूँ दो गुणा तीन गुणा एक, और नौ के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ तीन गुणा तीन गुणा एक। अभी आप बताओ यहाँ पर HCF कितना निकल करके आया, ये देखो तीन भी दोनों में है एक भी दोनों में है, थ्री इंटू वन यानी कि थ्री हुआ इनका HCF, है ना, जबकि यहाँ टू और थ्री, टू को आप लिखेंगे केवल और केवल वन इंटू टू, और थ्री को भी आप लिखेंगे वन इंटू थ्री, यहाँ पर देखो HCF कितना आया एक। देखो HCF जब तक यहाँ पर तीन था तब ये सही अनुपात नहीं था भाई, छः अनुपात नौ सही अनुपात कदापि नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपको सही अनुपात कब मिलता है, जब उन संख्याओं का HCF कितना हो, एक हो भाई, क्लियर है बात। सबसे पहला कंडीशन रेशियो का, सही रेशियो का, सही अनुपात का क्या होता है, HCF एक होना चाहिए। कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं आपको एक एक संख्या हमने दे दिया, मान लेते हैं 14:49, अभी बताओ ये सही अनुपात है या नहीं है, सोचो, ठीक है, यहां तक लिख लिए होंगे, बताओ 14:49 सही अनुपात है या नहीं, और यदि नहीं है तो इसका सही अनुपात क्या होगा, कॉपी में अपने अपने बना करके देखिए एक बार। देखो 14:49 क्या इसमें कोई कॉमन नंबर है, वह बड़ा सा बड़ा कौन सा ऐसा संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है। आप बोलेंगे सर 14 तो भले दो से कट जाएगा, 49 नहीं जा रहा था, तो हम आगे देखें, और आगे देखें तो हमने क्या पाया कि ये 7 से जा रहा है, ये भी 7 से जा रहा है, इसके अलावा कोई बड़ी संख्या है क्या जिससे दोनों भाग जाएगा, नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई कि 14:49 जो आपने लिखा है इसका सही अनुपात होगा 2, 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 49, सही अनुपात निकल करके आया 2:7, 2:7। समझ में आया, देखो हमने किससे डिवाइड किया भाई, 14 को 7 से और 49 को भी 7 से, और आप लोग को टेबल जहां तक याद होगा 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 49, 2:7। अब बताओ 2 और 7 का HCF क्या है, 2 और 7 का HCF देखो एक है, और 14 और 49 का HCF क्या है, 7 है। 14 और 49 के HCF क्या है भाई, बिल्कुल 7 है, है ना। तो जब तक कि HCF एक नहीं हो जाता वो सही अनुपात नहीं कहलाएगा। यहां पर सही अनुपात आपका क्या है मेरे दोस्तों, 2:7 एकदम, है ना, क्लियर है बात। HCF एक होना चाहिए, ये चीज क्लियर हुआ, आपको डिवाइड ही करना है, ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। HCF एक के लिए क्या करना है भाई, पूरा पूरा डिवाइड करना है जब तक कि दोनों संख्या किसी एक संख्या से भाग जा रही हैं। 14 और 49 7 से ही भाग जाएगा, उसके बाद में और 2 और 7 को ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं जिससे आप भाग दे सको, ठीक है, तो HCF एक होना चाहिए। दूसरी बात है ना, HCF एक होना चाहिए, ये तो हो गया पहला, HCF मस्ट बी 1, ये आप लिख लिए, HCF मस्ट बी 1, HCF सर्वदा या हमेशा एक होना चाहिए, ये तो हो गया। अगला ये है कि यूनिट मस्ट बी सेम, ठीक है, इकाई हमेशा समान होना चाहिए, इकाई हमेशा समान होना चाहिए। अब ये इकाई आखिर क्या है, ये यूनिट क्या होता है, यूनिट कुछ नहीं है, मैं बोल रहा था जैसे हम वर्ष की बात करें, राम 14 वर्ष का है, श्याम 49 वर्ष का है, यानी कि ये जो 2:7 आया ये क्या है, 2 वर्ष / 7 वर्ष। यूनिट देखो वर्ष है, दोनों में ईयर ही है ना। यदि इसी चीज को मैं ये बोलूं कि भाई राम जो है कि 2 वर्ष का है और श्याम जो है कि 49 किलोग्राम का है, क्या बोला मैंने,
कि राम जो है कि भाई 2 वर्ष का है और श्याम 7 किलोग्राम का है, तो ये कोई अनुपात नहीं बैठा। एक को आप वर्ष में बता रहे हो, दूसरे को किलोग्राम में बता रहे हो, ये अनुपात नहीं होगा। यूनिट सेम, वर्ष है तो वर्ष बताओ, यदि आप किलोग्राम बता रहे हो दूसरा वाला भी किलोग्राम हो, ठीक है। जैसे 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 क्या कि 7 किलोमीटर रेशियो 7 किलोग्राम, बिल्कुल नहीं, नहीं बनेगा ये रेशियो, ठीक है। एक किलोमीटर का आप जो है किलोग्राम के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं बताइए। मैंने सबसे पहला लाइन ही क्या बोला था आज का, रेशियो क्या होता है, रेशियो भाई तुलनात्मक अध्ययन है, कंपेरेटिव स्टडी है। अब आप बताओ किलोमीटर का किलोग्राम के साथ कैसे कंपेयर करोगे, किलोमीटर ज्यादा है किलोग्राम कम है कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते भाई। जैसे देखो यहां 2 वर्ष बटे 7 वर्ष, आप बोल सकते हो ये 2 वर्ष वाला छोटा है, 7 वर्ष वाला बड़ा व्यक्ति है। बड़ा व्यक्ति मतलब कद में नहीं, उम्र में, ठीक है, उम्र में ये 7 वर्ष वाला बड़ा है 2 वर्ष वाला छोटा है, बोल सकते हैं ना, कंपेयर किया आपने। यहां कैसे कंपेयर करेंगे आप, 7 किलोमीटर बड़ा है कि 7 किलोग्राम, है ना। तो जब भी आपके सामने दो राशियां दो क्वांटिटी होंगी उनका इकाई समान होना चाहिए, तभी आप जो है कि रेशियो लिख सकते हैं। किलोग्राम का किलोमीटर के साथ कोई रेशियो नहीं बनेगा। अब ये बोलो भाई कि 700 मीटर अनुपात, 700 मीटर अनुपात 7 किलोमीटर, तो बोलिए ये भी क्या इकाई तो अलग अलग हो गया, एक मीटर है दूसरा किलोमीटर है कि नहीं है। लेकिन इस मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन इकाइयों का आप कन्वर्जन कर सकते हैं, उनका परिवर्तन कर सकते हैं दूसरे वाले के साथ, वहां रेशियो बनेगा, ठीक है। 700 मीटर का 7 किलोमीटर के साथ बिल्कुल अनुपात बनेगा। कैसे, आप इसे क्या लिखेंगे, 700 मीटर बटे 7000 मीटर, बताइए लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 7 किलोमीटर बराबर 7000 मीटर हम लिख देंगे। अब देखो मीटर से मीटर ये कट गया, क्या हो गया, ये मीटर से नीचे जो है मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये क्या आया, 7 एकम 7 दहम 70, तो ये क्या आया भाई, 1/10 आया इसका अनुपात। देखिए 7 एकम 7 7 दहम 70, 1/10, 1:10, 700 मीटर अनुपात 7 किलोमीटर का आपने रेशियो क्या निकाला, 1:10। तो ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे इकाइयों का, ऐसे यूनिट का आप कन्वर्ट जहां कर सके उसका रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन ये किलोमीटर किलोग्राम, मीटर का सेकेंड के साथ में, मतलब क्वांटिटी एक होनी चाहिए। मीटर और किलोमीटर क्या है भाई, डिस्टेंस है, दोनों दोनों दूरी की इकाई है, तो दूरी का दूरी के साथ आप कंपेयर करो, दूरी का वजन के साथ कैसे कंपेयर करोगे, समय का दूरी के साथ कैसे कंपेयर करोगे, ये उल्टा हो जाता है भाई, ठीक है। तो यूनिट सेम होना चाहिए, HCF एक होना चाहिए, दो ही कंडीशन होता है एक रेशियो बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, फिर अब हम जो है कि आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हम आगे देखने वाले हैं मिश्र अनुपात, क्या देखने वाले हैं, मिश्र अनुपात, मिक्स रेशियो, ठीक है। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र अनुपात यानी कि मिक्स रेशियो। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा था कि रेशियो क्या होता है, रेशियो सही रेशियो किसे बोलते हैं, और LCM HCF वगैरह सारी बातें। अब है हमारा मिश्र अनुपात यानी कि मिक्स रेशियो। अब ये मिश्र कब करते हैं, मतलब मिक्स कब करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ें 2 या उससे ज़्यादा हो, सही बात है कि नहीं। मिक्स कब किया जाता है भाई, कोई चीज़ सिंगल है उसको क्या मिक्स कर लोगे, है ना। मिक्सचर कब बनता है, जब उसमें मिक्सचर वो नॉर्मल खाने वाला है ना, मिक्सचर कब बनता है, जब उसमें थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा मिर्ची, नमक, मूंगफली, चना दाल, चिवड़ा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया भाई, है ना, ये सब चीज़ जब हम मिक्स कर लेते हैं तब मिक्सचर बनता है। वैसे ही मिश्र अनुपात कब बनेगा, जब दो तरह का अनुपात हो आपके सामने, दो तरह का अनुपात कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं मेरा पहला अनुपात है ए अनुपात बी, इसे ही आप लोग लिख लेते हैं ए बटे बी के तौर पर, है ना, और दूसरा अनुपात मान लेते हैं मेरे पास है सी अनुपात डी, जिसे कि आप लिखते हैं सी अपॉन डी के फॉर्म में, है ना। अब देखो दो अनुपात है मेरे पास, एक है ए बी, दूसरा है सी रेस टू
डी। अब इन्हें मिक्स करना है भाई, क्या करना है इन्हें, मिक्स करना है। तो मिक्स करने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा, ए बटे बी गुणा सी बटे डी, यानी कि अंश का अंश के साथ गुणा होगा और हर का हर के साथ, यानी कि ए गुणा सी क्या हो जाएगा, ए सी, और बी इंटू डी बी डी। बस अब ये बटे की चिन्ह को यदि मैं परिवर्तित करूं तो ए सी रेश टू बी डी, ये हो गया मिक्स रेशियो। ठीक है, ये आपका तैयार है, मिक्स रेशियो बन गया है ना। हमने किनका देखा, ए बी और सी डी का मिक्स रेशियो होता है ए सी बी डी, एकदम सही। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा गुणा करना है। देखो मैं बताया, ए रेस टू बी को ए बटे बी लिखो, सी रेस टू डी को सी बटे डी लिखो और गुणा कर दो। गुणा हमेशा बचपन से आप ऐसे ही कर रहे हैं ना कि ए गुणा सी, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा, ये हो गया आपका मिक्स रेशियो। क्लियर है बात। अब देखो यदि मान लेते हैं ऐसा ही तीन रेशियो रहा, अब उनको यदि मिक्स करना है, तीन रेशियो मान लेते हैं हम, है ना। जैसे यदि ए रेश टू बी है, सी रेश टू डी है और ई रेश टू एफ दिया हुआ है, अब इन्हें मिक्स करना है भाई, क्या करोगे, देखो डायरेक्ट है ना। चलो एक और बता देता हूँ, ए बटे बी, सी बटा डी और ई बटा एफ, यही होना है, गुणा होना है। तो ए सी ई क्या आया, ए सी ई रेश टू बी डी एफ, ये हो गया भाई। ये जो आपने तीन रेशियो देखा, इन तीनों को मिक्स किए, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है बात। मतलब जब भी आप ए बी सी डी ई एफ ऐसा कर रहे, तो ए सी ई पहले पहले वाले को एक साथ लिखो और बटे बटे वाले को एक साथ लिखो, मिक्स रेशियो बन जाएगा। अब सर इतना आसान है, हाँ बिल्कुल इतना ही आसान ही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को लिखा देता हूँ, जब तक आप ये कंप्लीट कीजिए। ठीक है, प्रश्न है, टेरेस टू ए एवं 5:4 का मिश्र अनुपात, का मिश्र अनुपात 6:7 है, तो ए का मान बताइए। ये लो भाई, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, है ना। इंग्लिश मीडियम में आप इसे क्या लिखेंगे, इफ मिक्स रेशियो ऑफ 10:8 एंड 5:4 इज 6:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या बोला मैंने, इफ मिक्स रेशियो ऑफ 10:8 एंड 5:4 इज 6:7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये लिख लेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, है ना। देखिए भाई क्या दिया हुआ है आपको, आपको 10/a दिया हुआ है और आपको 5/4 दिया हुआ है और आपको 6/7 दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें आपको दी गई हैं भाई, है ना, दिया गया है ना। एक दिया है 10/a, दूसरा 5/4, तीसरा 6/7, ये तीन दिया गया है। और बोला क्या गया है कि ये 10/a और 5/4 का यदि मैं मिक्स रेशियो निकालूं, ये देखो भाई मिक्स रेशियो ऐसे ही निकालते हैं, गुणा करते हैं, सिंपल सा है ना। यदि मैं इसका मिक्स रेशियो निकाल लूं तब यह क्या हो जाता है, 6/7 हो जाता है। ये लो भाई अच्छे से लिख देते, 10/a गुणा 5/4 करूं तो ये मान देता है 6/7 का, हो गया एक इक्वेशन इतना साधारण सा, और एक है आपके पास अननोन वैल्यू, निकल जाएगा ना आंसर। चलो देखो बता दो भाई क्या हो जाएगा, ये ए को ऊपर भेज दो बाकी को इधर, तो ये 10 इधर है, 5/4 इधर है और ये वाला इधर आएगा भाई, 7 ऊपर 6 नीचे और इधर ए गया ऊपर, ए इधर डिवाइड में हूँ, उधर गया ऊपर चले गया मल्टीप्लाई। अब बताओ ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा आप लोगों से, बिल्कुल इसको काटो, है ना, क्या आएगा, नहीं काटना है, काट दो भाई जितना कट रहे, 2 × 4 2 × 5 = 10, और कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। तो अब कितना हो गया, 7 × 5 = 35, 35 × 6 = 30 हो गया 150 और फिर 5 × 6 = 25 175/12 = a। ये तो रहा भाई a का मान, 175/12
ठीक है, एकदम करेक्ट है ना, ये आपने ए का वैल्यू निकाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, है ना, मिश्र अनुपात से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कि डिज़ाइन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए आप लोग जल्दी से। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ द मिक्स रेशियो ऑफ 3:5 एंड x:9 इज 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से वही प्रोसेस है, एकदम सेम है ना। आपको क्या करना है, 3/5 गुणा x/9 बराबर दिया हुआ है 2/3। ये देखो भाई, ये तो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। देखो x को रहने दो इधर, बाकी को उधर ट्रांसफर कर दो भाई। 2/3, ये 9 गया ऊपर, ये 5 गया ऊपर और 3 गया नीचे। अब देखो तो ये 3 तिया सब कट गया, 5 दूनी x का मान 10। क्वेश्चन लिखते ही आंसर है भाई, इसमें तो वेट करने का सवाल नहीं था, है ना। इस क्वेश्चन का तौहीन हो जाता भाई, इतना इससे ज़्यादा समझ लेते तो। ठीक है, अभी ठीक है ना, है ना। चलो, तो समझ में आया मिक्स रेशियो, मिक्स रेशियो से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम छोटे छोटे सवाल। ठीक है, अब मैं 2-4 और आपको बता देता हूँ भाई। वर्ग अनुपात, वर्ग मूलानुपात, घन अनुपात, घन मूलानुपात, ये 4 शब्द आते हैं अनुपात में, ये 4 शब्द आते हैं। और इसके फिर जब हम समानुपात जाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही 4 शब्द आएंगे। ठीक है, क्या, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये समानुपात है ना। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि भाई अनुपात समानुपात क्या है, तो मैं बता देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अभी देखो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 4 टर्म जो भैया मैंने अभी अभी बोला, वो चारों के बारे में देख लेंगे। जब तक आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए, वर्गानुपात, ठीक है, इसे कहा जाता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो है ना। डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात क्या होता है, आप लोग को जो मैंने वर्ग वाला चैप्टर पढ़ाया ना, बस वही है, और एक्स्ट्रा एक लाइन नहीं बोलूँगा। ठीक है, वर्गानुपात, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, 4:5, क्या एग्जांपल लिया हमने, 4:5, एक बार देख करके बताओ, सबसे पहले पहचानो कि क्या ये सही अनुपात लिखा है। देखो, आपको क्या देखना है सही अनुपात के लिए, एकमात्र पॉइंट क्या है, वो पॉइंट, क्या 4 और 5 के HCF एक है, जी बिल्कुल है ना। 4 और 5 के HCF एक हुआ, तो ये एक सही अनुपात है। अब जब ये सही अनुपात है, तो इसका आप डुप्लीकेट रेशियो निकालोगे। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, हो गया, बस इतना सही है। डुप्लीकेट क्या होता है भाई, वर्गानुपात क्या होता है, वर्ग करो और लिख दो, खत्म। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, हो गया वर्ग अनुपात, बस टॉपिक खत्म। अगला क्या है, वर्ग मूलानुपात, इसे कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए, वर्गानुपात का जस्ट उल्टा होता है वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गमूल वर्ग का जस्ट विपरीत होता है ना, वर्गमूल, बस वही बात है। ठीक है, आप इसका जस्ट अपोजिट निकाल देंगे। जस्ट अपोजिट निकालने के लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूं 49:64, क्या देखा हमने, 49/64, 49:64, 49:64, इसको आप वर्गमूल अनुपात बता सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, 49 किसका वर्गमूल है, सॉरी 49 का वर्गमूल क्या है, है ना, माफ कीजिएगा, 49 का वर्गमूल क्या है बताइए। 49 का वर्गमूल तो सर 7 होता है, बिल्कुल लिख दो, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, लिख दो, हो गया आंसर। देखो जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, यहां आपने क्या किया था भाई, इसका वर्ग निकाले थे, आंसर लिखे थे, यहां आपने इन दोनों का वर्गमूल निकाला और आंसर लिखा, बस नाम से ही एकदम क्लियर है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ये जो 4 नाम मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बस हम डर जाते थे। अब देखिए, घन मूलानुपात है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई, घनानुपात नहीं, सबसे पहले घनानुपात देखते हैं, फिर घनमूल भी देखेंगे। ठीक है,
इंग्लिश एकदम सही लिखा है, हिंदी में गड़बड़ हो गया। घनानुपात, घनानुपात नाम से आप लोग तुरंत इसको पकड़ लेंगे भाई। जैसे मैं बोलूं 2:3 का घनानुपात क्या होगा, तो 2 का घन लिखेंगे आप, 2 का क्यूब लिखेंगे आप। क्यूब कितना होता है भाई 2 का? 2 × 2 = 4 × 8। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 × 9 = 27। ये लो भाई 8:27, ये हो गया घनानुपात। चलिए एकदम तुरंत इसको नोट करते हुए चले साथ ही साथ, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगला घन मूलानुपात, जो मैंने पहले लिख दिया था, घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है भाई? ट्रिप्लिकेट है ना, वही एकदम एकदम सही सोच रहे हैं आप, है ना, जो भी सोच रहे हो ना एकदम सही सोच रहे हो। जैसे 343:125, अब बताओ 343 किसका क्यूब है, किसका घन है? 343 घन है 7 का, किसका? 7 का। तो 343 का घन मूल क्या होगा? 7 ही होगा, 7 लिख लो। और 125 किसका घन है? बोले 5 का, 7:5 आपका आंसर है भाई। ठीक है, ये लो इसके लिए, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ भी डाउट वाला सवाल नहीं है भाई, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, इसमें कोई भी डाउट वाली बातें नहीं है, एकदम क्लियर कट है। छोटा सा बस टॉपिक था ये मेरा, है ना। इसके बाद में फिर हम चलते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं और जिनका यूज़ आगे बहुत बार आने वाला है, ठीक है। और वो है रेशियो को सिंपल रेशियो में बदलना, या फिर 2 अनुपातों के मध्य तुलना करके नया अनुपात बनाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके इसे कंप्लीट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर, जहाँ से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ जो पुराने तरीके हैं उन्हें छोड़कर हम नए तरीके सीखेंगे, है ना। और आपका ये जो रेशियो का चैप्टर, जितने इम्पॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट सिद्ध भी हो, है ना। चलिए क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रश्न बोलता है कि 1/2 / 1/3 / 1/5, ठीक है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में आप लिखेंगे सबसे पहले राइट इन सिंपल रेशियो, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे पहले राइट इन सिंपल रेशियो। अब इसके बाद में आप जो है कि 1/2, 1/3 और 1/5 लिखेंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले को सरल अनुपात में लिखिए, को सरल अनुपात में लिखिए। ये दो, ये है एक सवाल, ठीक है। सरल अनुपात क्या होता है? सरल अनुपात ये भाई कि सिंपल 2:3:4 लिखो। ये क्या लिख दिए? 1/1/1, ये मजा नहीं आया देख के भाई। इसको आपको सिंपल लिखना है, एकदम साधारण सा, जिसमें डायरेक्ट दिखे, ठीक है, वही काम करना है। तो क्या दिया हुआ है अभी? अभी तो दिया है 1/2, 1/3 और 1/5। क्या करना है, प्रोसेस क्या है? सॉल्व करने का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है भाई कि आप क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो के लिए आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। क्या बोला मैंने? सिंपल रेशियो के लिए आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है? 2 है, 3 है और 5 है। इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यहां पर देखो, तीनों एक दूसरे से भाग तो जाने नहीं वाला, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। यदि किसी को अभी भी लग रहा है कि हम एलसीएम नहीं आता, तो वो फिर से मेरा वीडियो देख लो, एलसीएम एसीएम चैप्टर मैंने निकाल के बताया है, अब नहीं बताएंगे, है ना। अभी मैं बोल के बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2, 3 और 5, तीनों में कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो तीनों में किसी एक में भी कॉमन हो। जब ऐसा नहीं होता तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 3 × 6 = 6, 6 = 30, एलसीएम हो गया भैया 30। अब क्या करें, एलसीएम लेकर के भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, हो गया ना 30 आ गया ना, बस आधा काम यही खत्म है।
बाकी आधा काम क्या है? देखो, इस 30 को ये डिनोमिनेटर के 2 से भाग दीजिए आप, इस 30 को 2 से भाग दीजिए, वैसा ही इस 30 को आप ये 3 के लिए 3 से भाग दीजिए और इसी 30 को आप 5 से भाग दीजिए इसके लिए। तीनों एक साथ 4 है ना, ये देखो रेशियो, लो रेशियो ही लिख देते हैं, ये लो ये हमने लिख दिया। ठीक, 2 से आप 30 को भाग दो कितना आएगा? 15। 3 से भाग देंगे तो 10 और 5 से देंगे तो 6। अभी ये सही रेशियो नहीं आया है, अभी क्या है कि इसका जो न्यूमरेटर है 1, इसके साथ गुणा भी करना है। ठीक है, यहाँ लिख लो गुणा 1 करना है, यहाँ भी 1 करना है और यहाँ भी 1 करना है, क्योंकि ऊपर सब में 1 है इसलिए 1। तो 15 गुणा 1 करो, 10 गुणा 1 करो, 6 गुणा 1 करो, कितना आएगा आंसर? 15 10 एकम 10 और 6 एकम 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हियर इज द आंसर। क्या किया हमने? 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या है? क्या किया हमने? डिनोमिनेटर को लिए, उनका एलसीएम निकाले, एलसीएम जो आया उससे 2, 3, 5 यानी कि डिनोमिनेटर का हमने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद जो हमारा आंसर आया उससे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर। पहली बार देखने में ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये सिंपल रेशियो में बदलने का बहुत सारा प्रश्न आता है और आपको बनाना है। ठीक है, बिल्कुल आप बनाएंगे। राइट इन सिंपल रेशियो, ये लो भाई 2/3, 4/5 और 6/7, इन्हें आपको सिंपल रेशियो में बदलना है, सरल अनुपात में लिखना है। चलो एक बार कोशिश करो। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या है भाई, ये फिर से दिया है हमें 2/3, 4/5, 6/7, सरल अनुपात लिखना है। तो पहला स्टेप क्या बोलता है? आप एलसीएम निकालिए डिनोमिनेटर का, 3, 5 और 7 का आप एलसीएम निकालिए, 3, 5 और 7 का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल लिए होंगे, यहाँ पर भी भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, किसी में कुछ कॉमन नहीं है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे भाई? 5 × 15, 15 × 7 भाई 105 होता है। चलो हो गया, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया भाई? 15 × 7, अरे इसमें डाउट आ रहा है क्या लोगों को? नहीं आ रहा है ना? पहाड़ा याद तो कर लिए होगे, याद कियो? ठीक, याद कर लीजिएगा, है ना, 15-20 तक का तो पहाड़ा आराम से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई 15 × 7 = 105, ये हो गया 105 हो गया आपका, है ना। अब इस 105 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, 105 को आप 3 से डिवाइड करेंगे और गुणा करेंगे 2 से, तो जो आया वो आपका सही अनुपात है। 105 को आप 3 से डिवाइड किए और 2 से गुणा किए, हो गया ये पहला लिख लिया। वैसा ही 105 को आप 5 से डिवाइड करेंगे और 4 से गुणा करेंगे, और आखिरी 105 को आप 7 से डिवाइड करेंगे और 6 से गुणा करेंगे। चलो देखते हैं, डिवाइड तो पूरा होगा क्योंकि एलसीएम वहीं से तो आया है। देखो 3 × 9 = 1, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 3 × 5 = 15 गुणा 2, यहाँ पर 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 गुणा 4, यहाँ पर 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 गुणा 6। अब करो इसे सॉल्व, 35 × 2 = 70, 21 × 4 = 84, 15 × 6 = 90, ये आ गया आपका सही अनुपात। क्या आया? 70, 84 और 90। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो अनुपात आया है ये तो सरल अनुपात तो हो गया लेकिन ये सही अनुपात नहीं है, है ना। सही अनुपात कब होगा? जब इन सब का एचसीएफ 1 हो, और मुझे अभी दिख रहा है कि सब में 2 से तो ये डिवाइड होगा, जैसे कि ये हो गया 2 × 35 = 70, ये हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, ये हो गया 2 × 45 = 90। अभी देखो, अब हुआ एचसीएफ 1, तो अब ये आया सही अनुपात। देखो 70, 84, 90 भी लिख दोगे गलत नहीं है, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में वो नहीं दिया रहा तो ऐसा बिल्कुल डिवाइड करना होगा, और कोशिश हमेशा एग्जामिनर की ये होती है कि वो आपको ऑप्शन में तो सही अनुपात दे। सरल तो ये हो चुका, सही ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनुपातों का परिवर्तन जो है कि करना होता है, सरल अनुपात में बदलना होता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं जो प्रैक्टिस शीट आप लोग को दिए रहता हूँ, है ना, आपके चैट बॉक्स में प्रैक्टिस शीट मिलेगा, वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि सरल अनुपात में बदलिए, है ना। चलिए अगला, ये क्वेश्चन जब तक आप नोट कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग के सामने, है ना। 2a = 3b = 5c को सरल अनुपात में बदलिए, सरल अनुपात
में लिखी है भाई। अब तो भाई ये तो कुछ दिया ही नहीं है, ये तो बराबर बराबर लिख दिया है। अब ऐसे में क्या करें, अब ऐसे में क्या करें का जवाब बहुत ही आसान है, ठीक है। ये नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से अब तक, है ना। ये क्वेश्चन जो है, अभी जो क्वेश्चन दिया जा रहा था उससे भी आसान है, बस देखने में टफ दिख रहा है। देखने में ये आपको टफ दिख रहा है क्योंकि बीच में बराबर है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। सामने जो भी लिखा है उसका एलसीएम लो, एलसीएम लो आप 2, 3 और 5 का, क्या आएगा, 30 आएगा। बोलो बोलो, 30 आया कि नहीं आया। हाँ भाई 30 आया। अभी एक और क्वेश्चन किया था पहला, उसमें भी 30 आया था, ठीक है। अब इस 30 को 2 से डिवाइड मारो कितना आएगा, 15। इस 30 को 3 से डिवाइड मारो कितना आएगा, 10। इस 30 को 5 से डिवाइड मारो कितना आएगा, 6। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, हो गया आंसर। हैं इतना जल्दी? हाँ बिल्कुल इतना जल्दी। देखो 15, 10, 6 इसका सही सरल अनुपात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, बराबर बराबर लिखा था, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। बराबर जब दिखेगा केवल आपको क्या करना है, एलसीएम लेना और मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी के नीचे तुरंत लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। ये क्या हुआ, ये 15, 10, 6 एक बार और आया था क्या आज के पहले क्वेश्चन में? बिल्कुल उसका एक उल्टा है बस, और कुछ नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1/2A बराबर 1/3B बराबर 1/5C को सरल अनुपात में बदलिए। ये लो भाई, है ना। चल क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 1/(\), सब एक एक के बटे में है ना, तो 2, 3 और 5 हो गया सरल अनुपात बस, ठीक है। जहां भी आपको ऐसा बराबर का चिन्ह दिखा और 1/(\) में है, उल्टा करके लिख दो, हो गया आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, उल्टा करके आप लिख दो। जैसे कि मान लेते हैं, अब आप बोलेंगे सर कि यदि 1 नहीं आया तो चलो एक नया सवाल, ठीक है। राइट इन सिंपल रेशियो, किसको सिंपल रेशियो में लिखना है बता देते हैं अभी आपको। 2/3A बराबर 1/5B बराबर 4/3C। ये लो, चलो बताओ, 4/5 कर लो, ठीक है, 4/5C। ये लो अब बनाओ, ठीक है। क्या करना है, मैं बोला था जब भी ये बटा बटा दिखे उल्टा लिख दो और रेशियो लगा दो, खत्म बात ना, बस वही करो ना। तो यहाँ पर भी 3/2 लिखो, रेशियो लगाओ, 5/1 लिखो, रेशियो लगाओ, 5/4 लिखो, हो गया अनुपात। लेकिन ये सरल नहीं हुआ है। देखो ये काम तो हम पहले भी कर रहे थे ना, ऐसा दिया रहता था तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, वही वाला चीज अभी। अब आपको देखो ये बटे-बटे में है इसलिए ये कर रहे हैं, 2, 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। देखो 2, 2 नहीं 4 होता है ना बस। अब इस 4 को आप 2 को, 4 को 2 से डिवाइड मारोगे और 3 से गुणा करोगे अनुपात। इस 4 को आप 1 से डिवाइड मारोगे और 5 से गुणा करोगे अनुपात। इस 4 को 4 से डिवाइड मारोगे, 5 से गुणा करोगे, हो गया 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 कटा ना, और 2 तिया 6 अनुपात, 4 पंचे 20 अनुपात, 4 से 4 कटिया 5, ये हो गया सरल अनुपात। 6, 20 और 5 आपका सिंपल रेशियो आ चुका है। देखो इतना ही आसान है, हम जबरदस्ती से टफ सोचते हैं, ऐसा कुछ दिखता है घबरा जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बराबर चिन्ह को क्या ही करना है हमें बताओ, बराबर लगा हुआ था, सीधा सीधा लिखा है तो सीधा सीधा का आप एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो आंसर। यदि 1/(\) में लिखा है तो उल्टा करके लिख दो आंसर। यदि ऊपर कुछ लिखा है, नीचे भी कुछ लिखा है, तब क्या करो, पलटाओ जैसा कि यहाँ पर किए थे, पलटाओ, नीचे वाले का एलसीएम लो जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, और फिर सॉल्व करो, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं बराबर में, या तो सीधा लिखा रहेगा, या 1/(\) में, या फिर दोनों मिक्स करके। 3 तरह के 3 सवाल मैंने करा दिए हैं भाई, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। और बाकी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप ये जो नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं ना बीच बीच में फॉर इंक्वायरी एंड डाउट, आप बिल्कुल यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, है ना। यदि आप उनमें से नहीं हैं तो आप डाउट पूछिए, मैथ्स बिना डाउट पूछे नहीं बनने वाला, ना समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल डाउट पूछते रहा कीजिएगा, ये यहाँ तक हो गया नहीं है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब हम क्या देखते हैं,
अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है? 20 सेकंड का सवाल रहेगा, आप सॉल्व करेंगे फिर मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है भाई कि यदि, क्वेश्चन क्या है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 है एवं बी अनुपात सी बराबर 2:4, नहीं 2:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? चलिए सोचिए, आप लोग बचपन से बना रहे हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बनाइए। ए बी 3:2 है, बी सी कितना है भाई 2:5 है, तो ए बी सी क्या होगा, है ना? बहुत फेवरेट सवाल है ये सब, बहुत बार आते हैं एग्जाम में, है ना? देखो, ए बी और सी आपको निकालना है, ठीक है? ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ना, इस मेथड का नाम है प्लॉट मेथड। सबसे पहली बात, क्या नाम है इसका? प्लॉट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर एक जगह मैं ये यूज़ करूँगा, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से आंखों के पर्दे खोल के देखिए, ठीक है? सॉरी, आंखों के पलके, कानों के पर्दे, है ना? चलो, ए बी और सी का वैल्यू आपको निकालना है, जिसमें से ए बी दिया है 3:2, ये लो भाई, ए और बी दिया नहीं इसलिए ए और बी के नीचे लिख दिया मैं, कोई गलती किया? नहीं, एकदम सही है। अगला क्या दिया है? बी और सी दिया है, अच्छा बी कितना दिया है 2 दिया है, सी कितना दिया है 5 दिया है, ये लो लिख दिया। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, है ना? देखो तो एक बार जरा ध्यान से देखो, आपको ये 2 जगह खाली दिख रहा है, उसके अलावा बाकी सब जगह भर गया, भर गया कि नहीं भर गया? आपको ए और बी दिया था, उसी की वैल्यू को पुट किया हूँ बस, और क्या किया हूँ? कुछ नहीं। अब है ध्यान देने योग्य बात, ठीक है? ध्यान देने योग्य बात क्या है? ये जो खाली स्थान है, इस 2 के बाजू में ही है, ये वाला 2 ऊपर है ना, तो इसलिए ये 2 यहाँ भी चले जाएगा। तो यहाँ क्या गया? 2 गया ना, तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए। इधर देखो, ये जो जगह है ये इमीडिएट लेफ्ट है किसके? 2 के, तो यहाँ पर ये वाला 2 चला जाएगा, जगह मिल गया खाली, है ना, घुस गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 2 आ गया। कुल मिलाकर बात क्या हुआ? कुल मिलाकर बात ये हुआ कि आप इन तीनों को गुणा करो आपस में। कैसा गुणा? ऊर्ध्वाधर गुणा होगा, ठीक है? परपेंडिकुलर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल, है ना? वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा। वर्टिकल मतलब ये 3 गुणा 2 कितना आया? 6। 2 गुणा 2 कितना आया? 4। 5 गुणा 2 कितना आया? 10। हो गया, ए बी और सी का अनुपात निकालना था ना, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी आया 6:4:10, लेकिन सही अनुपात नहीं है, शुरू से बता रहा हूँ। क्या करोगे? काटोगे, किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 2 4, 2 5 6 10, 3, 2 और 5 इसका करेक्ट आंसर है। अब बोलेंगे बहुत लोग कि सर ये तो डायरेक्ट दिख रहा था, जब 3 2 और 2 5 दिए तो 3 2 और 5 ही तो होगा। हाँ होगा, लेकिन ये प्रोसेस है, यदि बी का वैल्यू चेंज कर दिया ना मेरे दोस्त, तो फिर वो डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे आप, है ना? यदि बी का वैल्यू यहाँ पर 6 लिखा होता, इधर 2 लिखा होता, क्या करते तब? सॉल्व करते, वही बता रहा था, सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है? बहुत लोग बोलने लग जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये है मेथड, ये है तरीका, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे, क्लियर है? अगले एक और क्वेश्चन देता हूँ, चलो, है ना? प्रश्न है, ये नोट कर लीजिए जब तक मैं प्रश्न लिख रहा हूं। इफ ए रेश टू बी इज इक्वल टू 4:5 एंड सी रेश टू बी इज इक्वल टू 5:7, देन, तो है ना, देन ए रेश टू बी रेश टू सी इज इक्वल टू वॉट? ये लो, ये है क्वेश्चन। चलो अब बनाओ, बनाओ बनाओ, कैसे भाई, बन गया? चलो देखो क्या बना, देख लेते हैं, ठीक है? ए अनुपात बी आपने देखा है ना, हमको निकालना क्या है? ए बी और सी निकालना है। चलो, ए और बी दिया हुआ है 4:5, सी और बी कितना दिया हुआ है? सी दिया है हमें 5 और बी दिया है हमें 7। देखो क्वेश्चन बनाने वाले,
इतने इंटेलिजेंट तो होते हैं भाई कि वो आपके दिमाग के साथ खेलें। आपको देखो बी का मान यहाँ पर 5 लिख दिया है और यहाँ सी अनुपात बी लिख के 5 पहले लिख दिया। जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, बी का मान 5 लेकर के सॉल्व कर देंगे, 4, 5, 7 लिख दोगे और जो कि गलत होगा। बी का मान 7 दिया है, सी का मान 5 दिया है, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसे यदि हम सॉल्व करें तो मैंने क्या बताया था भाई, क्या करना है हमें, हमें खाली वाले जगह पर बाजू वाले को प्लॉट कर देना है। ये देखो, ये गया प्लॉट ले लिया, ये गया प्लॉट ले लिया, बाजू वाले ही लेते हैं नॉर्मली, है कि नहीं। यदि ये देखो यहाँ भी आ गया 5 और यहाँ आ गया 7, अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौके 28, 7 पंचे 35 और 5 पंचे 25। और मेरे दोस्तों यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है कटने वाला, तो यही राइट आंसर होगा। 28, 35 और 25 आपका सही अनुपात हुआ ए बी और सी का, और इसे आप 4, 5 और 7 लिख करके आगे बढ़ सकते थे, अब नहीं होगा ऐसा। इसीलिए मैं हर एक मेथड को पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि गलती ना हो, ठीक है। इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये गलत होने वाले सवाल हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें 4 अनुपात रहे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अनुपात में यही 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फिर आ जाता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम कर लेंगे और हमारा लगभग रेशियो फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसमें कुछ क्वेश्चन जब हम शीट को सॉल्व करते हैं तब हमें प्राप्त होते हैं, है ना। चल देखते हैं एक सवाल, प्रश्न है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 हो, बी अनुपात सी बराबर, एक मिनट, बी और सी दिए हैं, हाँ भाई, बी अनुपात सी यदि 5:4 हो तथा सी अनुपात डी, है ना, सी अनुपात डी यदि 3:1 हो, तो आपको क्या निकालना है, आप ए बी सी डी निकालना है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ये लो। चलो बताओ ए बी सी और डी क्या होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्लॉट बन गया आपका ए बी सी और डी का, ए और बी जो दिया है 3:2 लिख लो, बी और सी जो दिया है क्या दिया है भाई, बी दिया है 5, सी दिया है 4, एकदम ध्यान से उल्टा थोड़ी है, नहीं है, सी और डी कितना दिया है 3:1, ये लो हो गया प्लॉटिंग। लेकिन इस प्लॉटिंग के बाद में सबसे बड़ी समस्या खाली स्थान की होती है कि इस जो खाली स्थान जो रखा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ब्लैंक है आपके, ठीक है, इन ब्लैंक्स में क्या आएंगे, ये वाला 2 ही इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ये 4 इधर जाएगा, 5 वाला इधर आएगा, 3 इधर जाएगा और इधर भी जाएगा। देखो अब ये जो कलरफुल पेन यूज़ कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोग भी करेंगे तो समझ में आएगा, ये लो इधर 4 गया, इधर 5 गया, इधर ये वाला 3 और ये वाला 3, देखो भाई ये रंग बिरंगी रंगोली जो आपको दिख रही है इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे और फिर गुणा करेंगे, आपका आंसर आएगा, क्या है आंसर, 5 * 15 = 45, अनुपात का अनुपात हो गया, 5 × 10 = 30, उसके बाद में 4 × 8 = 24 और उसके बाद में 4 × 8, लो 45, 30, 24 और 8, ये है एकदम सही अनुपात ए बी सी डी के लिए, 45, 30, 24 और 8 आपका एक सही अनुपात निकला है। प्लॉट मेथड में ही ऐसा हो सकता है कि एक बार में ऐसे 4 रेशियो का भी आंसर आ जाए, इसके अलावा कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसमें एक ही स्टेप में 4 रेशियो वाला भी आंसर आता हो, प्लस इतने जल्दी नहीं आएगा, ठीक है, जितने जल्दी सी इसमें आया है बिल्कुल नहीं आएगा, है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक। तो आज हमने क्या सीखा, हमने देखा भाई कि रेशियो क्या होते हैं, रेशियो में सही रेशियो गलत रेशियो क्या होता है, रेशियो को सरल अनुपात में बदलना हमने सीखा, मिश्र अनुपात हमने सीखा, वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात, घन अनुपात, घन मूलानुपात, ये सारा कुछ देखा। प्लॉट मेथड हमने सबसे इम्पॉर्टेंट सीखा, ठीक है,
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में फिर अगला जो हमारा क्लास होगा वहाँ मैं इस रेशियो पर आधारित सिक्कों पर प्रश्न कराऊंगा और रेशियो के जो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं वो करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे समानुपात की तरफ, और समानुपात बहुत छोटा टॉपिक होता है ना। आपको प्रैक्टिस शीट जो मैं सेंड किया रहता हूँ वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, समानुपात से बहुत कम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आज का तो ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।